हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनी स्टार किचन। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट की रेसिपी बिल्कुल घर के सामान से ही। तो यहाँ पर देखिए, मैं सफ़ेद मटर ली हूँ, 4 से 5 चम्मच है ये, और आधा कप के आसपास है ये मटर। तो इसको ओवरनाइट पानी में भिगो देना। और यहाँ पर मैं 4 से 5 आलू ली हूँ। आलू को उबालना है फ्रेंड्स, तो मैं इसी में डाल दे रही हूँ, साथ साथ दोनों काम हो जाएगा। और इसमें पानी डाल दे 1 कप, और थोड़ा सा इसमें नमक जाएगा, और इसमें कुछ भी मसाला नहीं डालना है। और इसको अब कुक करने के लिए गैस के ऊपर रख देंगे। तो बस एक सीटी आने के बाद इसको 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पे छोड़ देना, तो मटर अच्छे से कुक हो जाएगा। और चलिए अब फटाफट, जब तक इधर मटर उबल रहा है, तो पूड़ी की तैयारी कर लेते हैं। हम लोग तो सिंपल पूड़ी रोज ही बनाते हैं फ्रेंड्स, लेकिन आज कुछ यूनिक बनाते हैं, अलग तरीके से, जो बहुत ही खाने में टेस्टी होता है। तो यहाँ पर मैं 3 गाजर ली हूँ, और इसको अच्छे से पील कर लेना है। और इस तरह से आगे और पीछे का पार्ट थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे, और इसको अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए, मैं इसमें 2 हरी मिर्ची और 1 छोटा सा अदरक का टुकड़ा डाल रही हूँ। और इसको मिक्सी जार में डाल करके फाइन पेस्ट बना लेना है। और इसमें अब थोड़ा सा, आधा चम्मच काली मिर्च और आधा चम्मच जीरा डालेंगे, और थोड़ा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, और इसको बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पर मैं 1/2 kg मैदा ली हूँ, और अब इसमें मैं 150 ग्राम के आसपास, इस कप से मैं 2 कप ले रही हूँ सूजी। आपके पास जो भी हो, मोटा वाला सूजी या बारीक वाला, आप कोई सी भी ले सकते हैं। और इसमें 4 से 5 चम्मच घी या रिफाइन ऑयल आप ऐड कर दें, मैं यहाँ पे रिफाइन ऑयल डाली हूँ। और इसमें 1/2 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक, थोड़ी सी अजवाइन और कलौंजी को ऐड कर दें इसमें, और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ब्रेड डाल रही हूँ, ये छोटा वाला ब्रेड है, 4 स्लाइस। अगर आपके पास बड़ा वाला ब्रेड हो तो आप 2 स्लाइस ही लें, या फिर बर्गर वाला ब्रेड हो, पाव वाला ब्रेड हो, कोई सी भी आप इसमें डाल सकते हैं। इस तरह से पानी से उसको सॉफ्ट करके और क्रश करके आप मैदे में मिला दें, और एक बार आप इस तरीके से पूड़ी बना के देखिएगा, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। तो देखिए, यहाँ पर गाजर का जो मैंने पेस्ट बनाया था, अब उसको इस आटे में डाल देंगे। और अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो थोड़ी सी आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, और पूड़ी के जैसा आप आटा को गूंद लें। देखिए, ना तो ज़्यादा सॉफ्ट और ना ही ज़्यादा हार्ड रखना है, क्योंकि इसके अंदर मैं सूजी डाली हूँ, तो सूजी फूल करके और भी ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, मसाला है जो सब्जी में पीस करके डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ऑयल डाली हूँ मैं 1/2 कप, और इसमें ये कुछ 1/2 चम्मच राई के दाने, 1/2 चम्मच जीरा, 1 लाल मिर्ची, 1 हरी मिर्ची और 2 तेज पत्ता है। इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और अब उसमें 1 मीडियम साइज का प्याज डालेंगे। और प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल 1 मिनट तक हल्का सा सौते करना है। तब तक हम इधर आलू को छील लेते हैं, और सोयाबीन बरी को अच्छे से धो लेंगे। तो देखिए, जो बड़े आलू थे उनको मैं 2 टुकड़े में कट कर ली हूँ, और इस तरह से 5 से 7 मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। फ्राई करने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा फ्रेंड्स सब्जी का, बिल्कुल हाई फ्लेम में। और ये देखिए, मसाला हमारा अच्छे से पीस चुका है, तो अब इसमें सारे मसाले को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच हल्दी ली हूँ, और 1 चम्मच मिर्ची ली हूँ, और 1 से 1.5 चम्मच के आसपास धनिया पाउडर है, और काली मिर्च, जीरा, लहसुन, अदरक, और 2 हरी मिर्ची मैंने पहले पीस के इसमें ऐड कर दिया है। तो इन सबको डाल करके अच्छे से भून लेना है 5 मिनट तक ढक करके। और 5 मिनट के बाद अब इसमें मैं 4 छोटे साइज के टमाटर डाली हूँ, अगर आप बड़े डालें तो 2 डाल दें इस तरह से कट करके। और अब इसको ढक देंगे, पानी बिल्कुल भी ऐड अभी नहीं करना है फ्रेंड्स। और इस तरह से ढकते हुए बिल्कुल लो फ्लेम में इसको सब्जी को अच्छे से भूनना है। देखिए, यहाँ पर टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा, तो फिर आप चम्मच से चलाते हुए, टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा तो आप उसको
दबा दे चम्मच से तो वो बिल्कुल मिक्स हो जाएगा सब्जी में, देखिए इस तरह से। और आप इस तरह से अगर बनाएंगे तो आपके घर में सभी आपकी तारीफ करेंगे, ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो फ्रेंड्स फटाफट से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए इस तरह से सब्जी को अच्छे से भूनना, आप देख रहे हैं सब्जी का कलर कितना प्यारा आ रहा है। सब्जी हमारा अच्छे से भून चुका है। और अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो बड़े बड़े आलू के जो साइज है इनको आप कट करके छोटे छोटे कर लेंगे इस स्टेज पे। अगर आप पहले करेंगे ना तो सब आलू पूरा मिक्स हो जाएगा सब्जी में तो, और आलू अच्छे से फ्राई भी नहीं होगा। तो बस इसी स्टेज पर अब इसमें मैं 1 चम्मच चाट मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच के आसपास इसमें डाल दें तो इससे सब्जी का टेस्ट डबल हो जाता है और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और अब यहाँ पर मैं उबला हुआ मटर डालूंगी जिसको मैं पहले उबाली थी। और मटर डालने के बाद फ्रेंड्स इस सब्जी का टेस्ट तो बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है, बिल्कुल मार्केट के जैसा। आप एक बार बना के जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको यकीन ही नहीं होगा कि इतनी टेस्टी और इतना लाजवाब सब्जी बन करके तैयार हुआ है। और अब मैं यहाँ पर 1 चम्मच मीट मसाला डाल रही हूँ और थोड़ा सा इसमें नमक कम था फ्रेंड्स तो मैं थोड़ा सा ऊपर से नमक डाली हूँ। और ये है हरा धनिया, ऊपर से थोड़ा सा डाल दें आप। और फाइनली हमारी सब्जी तैयार हो चुकी है, देखिए आप इसको ढक करके 5 से 7 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम में इसको उबाल आने तक पकने देंगे। और अब इसमें फाइनल टच ये हमारा तड़का पैन, अब इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी 3 से 4 चम्मच के आसपास। और अब इसमें एक लाल मिर्ची, थोड़ा सा राई और थोड़ा सा जीरा डालना है और गैस से नीचे उतार लेंगे। उसके बाद इसमें कश्मीरी मिर्च डालेंगे 1/2 चम्मच और सब्जी के ऊपर ऊपर फटाफट से डाल देंगे। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आटा भी अच्छे से फूल चुका है, अब इसमें हल्का सा ऊपर से ऑयल डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसका कलर भी देख रहे होंगे आटे का कितना अच्छा आया है। और कढ़ाई में मैं ऑयल रख दी हूँ गर्म होने के लिए और फटाफट अब पूड़ी बना लेते हैं। जब ऐसी सब्जी बनी हो तो पूड़ी तो बनना ही बनना है। तो देखिए आटा को अच्छे से गूंद लिया और देखिए ये कितना अच्छा चिकना बिल्कुल रेडी हो गया है आटा। तो अब इसको छोटे छोटे लोई बना लेंगे पूड़ी के लिए। फ्रेंड्स अगर आप इस तरह से पूड़ी बनाएंगे ना बहुत ही टेस्टी लगेगा और बहुत ही बच्चे मांग मांग कर खाएंगे और हेल्दी भी है ये। और जो आप मैदे की पूड़ी बनाते हैं नॉर्मल उससे तो ये हेल्दी है, आप अगर मैदे के जगह पे आप आटा भी डाल सकते हैं और आटा और सूजी से भी आप इस पूड़ी को बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप मैदा डालिए। और अब देखिए इसको पूड़ी के शेप में छोटे छोटे बना लेना है और आप देखिएगा पूड़ी कितनी अच्छी फूली फूली बनेगी और टेस्ट तो आप मैं बता सकती हूँ फ्रेंड्स इसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी बनने के बाद ये पूड़ी लगेगी। आप एक बार बनाइएगा फिर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, बिल्कुल यूनिक रेसिपी है बिल्कुल अलग तरीके से। देखिए ये अपने आप ही ऑयल में डाले और देखिए कितना अच्छा बिल्कुल फूल गया है ये गुब्बारे के जैसा बिना सोडा बिना बेकिंग पाउडर के। और ये बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट भी है फ्रेंड्स। तो मेरी वीडियो अच्छी लग रही फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक करें और कमेंट करें। तो देखिए आप अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो फटाफट आप ये रेसिपी बना सकते हैं और बच्चे बड़े सभी को खुश कर सकते हैं इस रेसिपी से क्योंकि इसका टेस्ट इतना लाजवाब होता है।
देखिए मैं यहाँ पे सारी पूड़ी को तल ली हूँ। देखिए कितना अच्छा फूला फूला सारा पूड़ी बन करके तैयार हुआ है, और आप सब्जी का कलर और टेक्सचर देख सकते हैं कितना लाजवाब ये बन करके तैयार हुआ है, और इसकी खुशबू बहुत ही गजब की आ रही है, बहुत ही मस्त है इसकी खुशबू फ्रेंड्स, और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। तो चलिए अब Thank you.